सुबह सुबह अगर हमें ब्रेकफास्ट में इस तरीके से सजा सजाया अगर नाश्ता मिल जाए, घर के ही कुछ सामानों से बना बनाया, तो कैसा रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट घर के सामानों से ही नाश्ता बनाने आपको बता रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं हम, और ये है एक कटोरी सूजी, यानी आटा और सूजी का क्वांटिटी बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक कटोरी पानी और इसको हम हल्का हल्का मिलाएंगे। ये दो कटोरी पानी हो गया, एक कटोरी मैंने पहले डाला, एक कटोरी ये अभी डाला, दो कटोरी हो गया पानी। हमने तो मिल में पिसवाए क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ तो बनते रहते हैं, इस वजह से। ये देखने तक जो है इस बैटर को 15 से 20 मिनट तक जो है इसी तरीके से ढक के हम छोड़ देंगे। ये हमने बैटर को ढक दिए हैं, जो है इस बैटर को बना करके इसी तरीके से छोड़ दिए थे। अब आधा घंटा बाद देखिए इसका इतनी समतली और इतना टेक्सचर में आ चुके हैं। अब देखिए इसका आगे का प्रोसेस क्या करते हैं। मिक्सी जार लीजिए और उनमें जो है ये सारा बैटर डाल दीजिए, जितना भी बैटर आपने आधा घंटा में। इसमें हम एक चम्मच के बराबर दही डाल रहे हैं, देखिए एक चम्मच में इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल रहे हैं। देखिए नमक को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए हमने जो बैटर तैयार किए थे उसको हम जो है ग्राइंड करके ले आए हैं। देखिए ग्राइंड में किस हिसाब से हुए हैं, ये देखिए बैटर को कितना, देखिए समूथली, देखिए कितनी समूथ है इस बैटर का। देखिए देखिए अब हम इसमें एक छोटी सी तड़का डालेंगे। हमारे बैटर में तड़का लग गया है, तो चलिए अब इसमें जो है एक पैकेट हम इनो डालेंगे। इनो डालने से जो है ये हमारा फूला फूला सा बनेंगे। तो ये देखिए इनो डाल रहे हैं, इनो डाल करके अब हम मिक्स करेंगे। लगाएंगे ऑयल, अब हम अपना ये बैटर जो तैयार किए हैं अब इसमें डालेंगे। देखिए आधा बैटर हमने डाला है और हम इसको ढक देंगे और फुल फ्लेम पे जो है 10 मिनट तक हम इसको हैं। ये पूरे 10 मिनट हो गया, अब इसको हम निकाल के देखते हैं। वाओ, देखिए क्या गजब से ये फूला है। अब इसको हम टेस्ट करने, ये चाकू है, चाकू को नाइफ टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये नाइफ टेस्ट में हमारा जो है गया है और इसको जो बैटर अभी बाहर आया नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो चलिए इसको जो है देखते हैं, अब 5 मिनट तक और देखना है इसको पका के। ये देखिए अब हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं फिर से दोबारा, दोबारा से भी वही प्रोसेस करेंगे। ये नाइफ लेंगे और इसको सिंपली ऐसे करेंगे। अब ये ठीक आए, अब ये
हो चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए इसको जो है अब ठंडा करके हम निकालेंगे। तो हमारा नाश्ता देखिए बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए डबल एकदम पक गया है, इसमें आधा बैटर था और देखिए ये पूरा डबल फूल चुके हैं। अब इसको हम नाइफ की सहायता से जो है साइड साइड जो है थोड़ा खुरच देंगे। खुरचने से ये होगा ना कि ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। प्लेट में पलटी करेंगे और एकदम प्लेट में ही आ जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्लेट में पलट करके। ये देखिए, ये देखिए, देखते रहिए, देखिए देखिए क्या गजब का नाश्ता निकला है बाहर। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? घर के ही कुछ सामानों से बनाए हैं, कुछ भी बाहर से लाने का नहीं, सब कुछ घर के किचन में। और इतना नया, इतना टेस्टी, इतना बढ़िया नाश्ता हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं, ऐसा बनाइएगा तो बच्चे हो बड़े हो सभी जो है खाने के लिए बोलेंगे कि भाई हमको तो खाना दे दो फटाफट। नाश्ता देखने से ही इतना अट्रैक्टिव है कि बोलेंगे कि भाई इतना सुंदर लग रहा देखने में। देखिए मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखिए कितना स्पॉन्ची बना है। ये देखिए, ये जो है ना स्पॉन्ची बनने का कमाल है इनो का। तो कभी भी इस तरीके से नाश्ता बनाइए तो इनो का इस्तेमाल करिए। अब देखिए हम थोड़ी थोड़ी धनिया और टमाटर से हम सजा रहे हैं नाश्ते को। नाश्ता इतना अच्छा से सज धज के एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाए बगैर तो जाइएगा ही नहीं, और अपने फैमिली मेंबर में शेयर करिए। और बच्चे जो नहीं खाते हैं खाना घर में, उनको इस तरीके से बना करके आप दीजिए, देखिए आपके बच्चे खूब चाव से खाएंगे। और बिल्कुल भी जो है बनाने में तो कोई खर्चा ही नहीं है। और देखिए ये लाल और हरी चटनी के साथ जो है हम परोस के आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत अच्छा लग रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।